शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को इस तारीखी बजट को पेश होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह दोस्तों ने सब ने बजट पर इजहार ख्याल किया, मैंने भी तफसील से पीएसडीपी बुक को देखा पढ़ा, तो हमारे यही दोस्त अपोजिशन में हैं, इनके वक्त इनके इलाके ये जब हुकूमत में थे या माजी में भी जो हुकूमत में रहा है उस वक्त को भी आप जनाब स्पीकर देख लें कि इस हुकूमत ने जो मेगा स्कीम्स हैं उसमें पूरे बलूचिस्तान के लोगों का डिस्ट्रिक्ट के इतबार से मुनसिफाना तकसीम जो हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। जिस तरह हमारे एक दोस्त ने अपने डिस्ट्रिक्ट का जाबित साहब ने कहा कि कुछ नहीं है, उसका भी मैंने तफसील से देखा, उसमें भी तकरीबन कोई 50 करोड़ के डिस्ट्रिक्ट में उनके भी स्कीम्स भरे हुए हैं। तो ये बजट मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोगों के लिए और बलूचिस्तान के मुस्तकबिल में नौजवानों के लिए जो इसमें रखा गया है, स्पोर्ट्स के हवाले से देखें, एजुकेशन के हवाले से देखें, जो इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज तकसीम किया गया है, ना इसको किसी एमपीए के कहने पर, ना किसी एक मखसूस इलाके पर, और कायदे ऐवान के अपने आप इलाके को भी देख लें उसका भी इसी जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया गया है, उन्होंने भी इसी तरह से पहले सारे पैसे एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में लगे थे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि बिल्कुल एक मुतवाजन बजट बनाया गया है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से ये तजवीज़ सूबाई हुकूमत को ज़रूर दूंगा कि मेरे अपने इलाके का लोग एक आए थे, जाम साहब से भी मिले थे, एक बहुत अहम और ज़रूरी रोड है जो खालिकाबाद से जवान और उधर से बीबी नारी तक निकल जाता है, अगर उसको भी इसमें शामिल किया जाए तो ये बलूचिस्तान के जो हमारे इलाके हैं उसका ज़मींदारी से अक्सर उनका वास्ता है, तो उनके लिए उनको मार्केटों में पंजाब की मार्केटों में सिंध की मार्केटों में जाना होता है, तो उसको भी अगर शामिल किया जाए तो उसमें मैं उनका बहुत मशहूर हूँगा। बहुत शुक्रिया आपका।